बी अवेयर, बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। मैं डॉक्टर संतोष कुमार, प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी हूँ, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट पीजीआई चंडीगढ़ में। आज का अवेयरनेस वीडियो है, यूरिन में किसी पेशेंट को यूरिन टेस्ट कराया, या कभी दर्द हुआ पेशाब में, कभी जलन हुई पेशाब में, कभी पेशाब में थोड़े बहुत ब्लड आ गए, तो जब टेस्ट कराते हैं तो यूरिन में क्रिस्टल नज़र आती है, तो घबरा जाते हैं, ये क्रिस्टल क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये क्रिस्टल जब यूरिन में आती है, इसका मतलब ये आता है कि कोई, चाहे कैल्शियम फॉस्फेट जो स्टोन बनाते हैं, या ऑक्जिलेट या यूरिक एसिड, या सिस्टिन जो स्टोन का, किडनी स्टोन का, पेशाब के नली के स्टोन का, गुर्दे की नली का कारण होता है, वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो, ज़्यादा अमाउंट में बन रही है और आपके शरीर में पानी की कमी है। जब सॉल्यूट्स होते हैं, ये यूरिक एसिड या कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा होते हैं और सैट्रेट और पानी कम होती है बॉडी में, तो ये क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं जो किडनी की नली से पेशाब के रास्ते वो निकल जाते हैं। जब ये निकलते हैं तो ये क्रिस्टल खरोच करते हुए जाते हैं, तो पेशाब में दर्द हो सकती है या पेशाब में खून आ सकती है। तो आप, और ये हर क्रिस्टल अलग अलग शेप का होता है। इस क्रिस्टल के जांच, यूरिन के क्रिस्टल के शेप से भी ये पता चल जाता है कि कैल्शियम ऑक्जिलेट क्रिस्टल है, या सैट्रेट या यूरिक एसिड क्रिस्टल है, या कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल है। और इसमें जब भी दर्द, जलन, पेशाब में खून हल्की फुल्की आए और क्रिस्टल के साथ, तो यूजुअली ये होते हैं जो जिनको पानी की कमी होती है उसमें ज़्यादा होते हैं, या कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होती है उसमें ये क्रिस्टल होते हैं। तो फिर यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसके अनुसार मेडिसिन की ज़रूरत होती है। वैसे सिंपल पोटासाइट्रेट सॉल्यूशन होती है, उसको पीने से, पानी ज़्यादा पीने से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। तो ये था यूरिनरी क्रिस्टल पे एक छोटी सी अवेयरनेस वीडियो। बी अवेयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।